कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी महंगी, हर चीज़, इवन खाने पीने से लेकर हर चीज़ महंगी होगी। तो आम आदमी को पड़ेगा सारा, जो भी इसका असर जो पड़ेगा। मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, हम ड्राइवर को एक फिक्स खर्चा देते हैं कोई ट्रिप का, अब उसको हमको खर्चा बढ़ा के देना पड़ेगा उसको। जब खर्चा बढ़ा के देना पड़ेगा तो वो खर्चा किस पर जाएगा? वो आम चीज़ पर जाएगा, जो हम कैरी करते हैं, जितना भी सामान कैरी करेंगे वो सारा खर्चा उसी पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी के पॉकेट में खर्चा बढ़ेगा। ये जेब में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बताइए अपना घर चलाएंगे या क्या करें? अब पेट में रोटी होना हो लेकिन पेट्रोल तो चाहिए, बच्चे भूखे हैं घर के अंदर लेकिन फिर भी पेट्रोल चाहिए कहीं आना जाना है। तो सर फ़र्क तो पड़ रहा है, सर फ़र्क तो पड़ रहा है, सस्ता होना चाहिए सर। न्यूज़फुट, खबर भरोसे की। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत, देश की राजधानी दिल्ली में अब 80 रुपए 13 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं डीजल की कीमत अब 80 रुपए 19 पैसे कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 20वें दिन भी तेल की कीमत में इजाफा देखा गया है। बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमत से लोगों के पसीने छुटा दिए हैं। इस वक्त पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में 13 पैसे तो वहीं डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर इजाफा किया गया है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत इस वक्त देश की राजधानी में 80 रुपए 13 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत में 80 रुपए 19 पैसे कर दी गई है। इससे लोगों के बजट पर कितना असर पड़ा है, आइए चलते हैं लोगों के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं इससे आम लोगों का बजट कितना गड़बड़ा गया है। राजधानी में पहली बार डीजल के दाम 80 रुपए पार। 20वें दिन भी बढ़ी हुई कीमतों के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम में 13 और 19 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब राजधानी दिल्ली में एक लीटर नॉर्मल पेट्रोल के दाम 80 रुपए 13 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 19 पैसे कर दी गई है। बढ़ी हुई दर से आम लोगों के जेब पर असर पड़ा है, ऐसे में महंगाई और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। महंगाई तो बढ़ी रही है, काम धंधे है नहीं। सर योर गुड नेम प्लीज। विपुल। और विपुल जी ये बताइए, पहले आप कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अभी आज कितने का डलवाया है? सर पहले 100 रुपये का डलवाते थे, 200 का डलवा रहे हैं, डबल रेट कर गए। तो लगातार ये 20वीं दिन पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, इससे आम आदमी के जेब पर कितना असर पड़ा है? काफ़ी पड़ेगा सर, ऑलमोस्ट डबल हो गया, और डीजल तो महंगा ही हो गया पेट्रोल से भी। क्या फ़ायदा इस चीज़ का, कोई फ़ायदा थोड़ा है। डेली यूज़ में तो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, 80 रुपये हो गया। 80 रुपये पर लीटर तेल कर रखा है, जिसमें कि हमारे हम लोगों की सैलरी में इतने तेल में कैसे करेंगे, हम बहुत परेशान हैं प्लीज़। और कोरोना वैसी फैल, कीमतें बढ़ रही हैं बार बार, एक तो वैसी लॉकडाउन, ठीक है सर, ऊपर से लोगों के पास पैसों की तंगी, ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ना, पेट्रोल के दाम बढ़ना और हर चीज़ के बहुत सारे रेट्स बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली पब्लिक को बहुत ज़्यादा इशू सफ़र करना पड़ रहा है। अभी जो डेली बढ़ रहा है तो अभी 72 से 72 रुपीज़ पर लीटर था, बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 रुपये तो ऐसे ही बढ़ चुके हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। तो पड़ेगा ही, वैसे ही लॉकडाउन सर, वैसे ही काम धंधा नहीं, तो सर फ़र्क तो पड़ेगा इस चीज़ से, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा सर। लोग वैसे ही बेरोजगार हो रहे हैं सर, काम धंधा वैसे ही नहीं, लॉकडाउन है, सब कुछ है सर, मगर लोगों को ये है कि जहाँ पे वो पहले 100-200 रुपये खर्च करता था अपने घर के लिए, आज वो सोचता है कि जैसे भी गुजारा चल जाए, बस आज बस गुजारा चलाने वाली बात हो रही है कि गुजारा चले बस किस तरह से। इस टाइम कोरोना वायरस इतना तगड़ा फैला हुआ है कि लोग डर रहे हैं बाहर जाने में भी, मगर मजबूरी में उन्हें जाना पड़ रहा सर। जी बताइए आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम नवाब सिंह चौहान है। जी चौहान जी ये बताइए, बढ़े हुए तेल की कीमत से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर, एक तो लॉकडाउन से निकले हैं, जेब में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बताइए अपना घर चलाएंगे या क्या करें? अब पेट में रोटी होना हो लेकिन पेट्रोल तो चाहिए, बच्चे भूखे हैं घर के अंदर लेकिन फिर भी पेट्रोल चाहिए कहीं आना जाना है। तो सर फ़र्क तो पड़ रहा है, सर फ़र्क तो पड़ रहा है, सस्ता होना चाहिए सर। महंगाई है, दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, डीजल की कीमतों में, इससे आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? सर एक तो बेरोजगारी वैसे ही है, इस टाइम रोजगार है नहीं, और महंगाई से सर सबकी जेब पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ वैसी महंगी हुई पड़ी है, अगर पेट्रोल महंगा होगा सब कुछ ही महंगी होंगी जो भी आएंगी, और सब्जी दाल वगैरह सब चीज़ महंगी हो रही है, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ये दिन पर दिन डेली बढ़ता जा रहा है। इस टाइम देखोगे आप पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा महंगे हैं। तो बजट गड़बड़ा गया है? बिल्कुल सर।
सर, यू गुड इवनिंग प्लीज। मेरा नाम साबिर है। साबिर जी ये बताइए, बढ़े हुए तेल की कीमत से क्या आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है? बिल्कुल गड़बड़ाएगा। आज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी महंगी, हर चीज़, इवन खाने पीने से लेकर हर चीज़ महंगी होगी। तो आम आदमी पे पड़ेगा सारा, जो भी इसका असर जो पड़ेगा। मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, हम ड्राइवर को एक फिक्स खर्चा देते हैं कोई ट्रिप का, अब उसको हमको खर्चा बढ़ा के देना पड़ेगा उसको। जब खर्चा बढ़ा के देना पड़ेगा तो वो खर्चा किस पर जाएगा? वो आम चीज़ पे जाएगा, जो हम कैरी करते हैं, जितना भी सामान कैरी करेंगे वो सारा खर्चा उसी पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी के पॉकेट में खर्चा बढ़ेगा। ये एक तो देश में कोरोना महामारी है, देश कोरोना से लड़ रहा है सर, ऊपर से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी है, लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे क्या लगता है इस कोरोना महामारी में सरकार को तेल की कीमत कम करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर तेल की कीमत कम नहीं करेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी गरीब आदमी के, मीडियम क्लास आदमी के जेब में पहले ही पैसा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जो है आम आदमी के जेब पर डाका डाल रही है। जिससे सर बहुत असर बढ़ रहा है इस पर जेब लोगों का, इससे मतलब देश में और मतलब भुखमरी मरेगी, बहुत असर पड़ेगा लोगों पे, लोगों की जेब बहुत ज़्यादा ढीली होगी, वैसे ही काम धंधे वैसे ही नहीं है अब, और इससे ज़्यादा भुखमरी मरेगी, चोरी चकारी और बढ़ेगी। सरकार को पेट्रोल का प्राइस और डीजल प्राइस देखना चाहिए, और दिल्ली में पहली बार हुआ कि डीजल प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया है पेट्रोल से भी ज़्यादा। सर ये बताया जा रहा है अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो और भी चीज़ों की कीमतों में उछाल आएगा? बिल्कुल आएगा, पेट्रोल का बढ़ेगा, डीजल का ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा आएगा, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट वगैरह डीजल से चलती है, तो सारी सब्जी वगैरह सब कुछ महंगा आएगा दोबारा, तो इसलिए और ज़्यादा भुखमरी बढ़ेगी। जी योर गुड नेम प्लीज। राजीव जी ये बताइए, बढ़ी हुई तेल की कीमतों से क्या आम आदमी के बजट पर असर पड़ेगा? सर ऑब्वियसली जहाँ इस टाइम तो ये वैसी वायरस चल रहा है जिसको पैसे की हर चीज़ की शॉर्टेज है, ऊपर से कीमत बढ़ेगी तो क्या हाल चलेगा? नहीं, बजट तो काफ़ी गड़बड़ा गया है, पहली बात तो काम ही नहीं है, और दूसरी बात ऊपर से हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, तो आज की लाइफ में जो है जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आपको क्या लगता है इस कोरोना महामारी में सही समय नहीं है कीमत बढ़ाने का? मेरे हिसाब से तो सही समय नहीं है, लेकिन अब किस वजह से बढ़ रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल की कीमत है वो काफ़ी सस्ती है, क्योंकि आगे से जो पेट्रोल आ रहा है वो काफ़ी सस्ता है, वो मैं समझ सकता हूँ कि ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो वैसे तो ये टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाना चाहिए। आम आदमी को ही संघर्ष करना पड़ेगा, जहाँ वो 8 घंटे काम करता है उसको 9-10 घंटे करना पड़ेगा, तभी तो करेगा सर एडजस्टमेंट, वरना कहाँ से करेगा। तो सर मैं तो यही चाहता हूँ कि गिरावट थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि हर इंसान सफल और सक्सेस हो पाए, अपने परिवार को देख पाए। कोरोना महामारी के चलते जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई के लोग शिकार हैं, इससे लोगों का बजट कितना गड़बड़ा गया है इस कोरोना महामारी के चलते, वहीं लगातार तेल की कीमतों में इजाफा करने से लोगों का ऐसा मानना है कि बढ़ी हुई तेल की कीमत से और भी महंगाई में इजाफा होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आमिर मलिक के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड।